सोनीपत की एक चिकन की दुकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई और धीरे धीरे ये आग पूरी दुकान में फैल गई। सोनीपत में बीती रात को एक चिकन की दुकान पर गैस सिलेंडर के पाइप निकालते वक्त सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद आसपास के दुकानों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी दुकानों से बाहर आ गए। दमकल विभाग को मामले की सूचना दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया, मगर तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। गैस चालू किए हमने, हवा चले थे, गैस फैला था थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद उतने में गैस धर लिया पूरा सिलेंडर में, उसके बाद आते पूरा काउंटर में धर लिया था। आग लग गई। हाँ। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रात को अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और धीरे धीरे पूरे दुकान में फैल गई, जिसको फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आकर बुझाया। और कल यहाँ पर चिकन की दुकान पर अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसको फायर ब्रिगेड वालों ने आकर बुझा दिया और भारी जन और माल की हानि को होने से बचा लिया। अगर गैस सिलेंडर फट जाता तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता। गनीमत ये रही कि गैस सिलेंडर फटा नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।